अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। तो महाकाल के भक्त हैं हम, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि महादेव हमेशा ऐसे ही स्थान पर विराजित होते हैं जहां पहुंचना किसी के लिए आसान नहीं होता, और ऐसी ही एक जगह है राघा देवी जहां पर हम लोगों ने एक्सप्लोरेशन किया था राघा देवी से पचमढ़ी तक की सुरंग का, जो कि बंद हो चुकी थी। बट जब हम यहां पर एक्सप्लोर कर रहे थे तो सडनली पत्थरों के बीच में बनी एक ऐसी आकृति हमें नज़र आई जो कि बिल्कुल देखने में भगवान शिव की तरह लगती थी। तो चलिए आपको रूबरू कराते हैं भोले भंडारी की इस चमत्कारी रचना से। इस समय हम हैं राघा देवी में, और ये राघा देवी की अंधेरी गुफाएं हैं। यहाँ पे आकाश भी अभी अंदर आ चुका है, और बहुत सारी गुफाएं हैं यहाँ पे, कुछ बंद हो चुकी हैं, कुछ अभी भी हैं जहाँ पे आप दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। आगे एक बड़ी गुफा है जिसको लोकल लोगों ने अच्छा सा मंदिर बना दिया है। तो अभी जैसे ही हम यहाँ से एंटर करेंगे तो सामने ही हमें दिखाई देगा भोले भंडारी की वो रचना, जिसको सुनने के बाद आपको एक बार बोलना पड़ेगा हर हर महादेव। देखिए पत्थर से बनी नेचुरल ये स्ट्रक्चर है जो दूर से देखने पे आपको किसी ह्यूमन या इंसानी चेहरे की तरह लगता है, और अगर आप बहुत ही गौर से देखते हैं तो आँख नाक और ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी, और बिल्कुल इस तरह की आकृति ये नज़र आती है देखने में जैसे कि स्वयं भोलेनाथ यहाँ पे मौजूद हैं, और बाकी इसके आसपास आप देख रहे होंगे बहुत सारे रास्ते हैं। तो ये है हमारे महाकाल का चमत्कार। लाइक दिस, और अभी तो मेन रास्ता यही है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। जय शिव शंभु। सो ये रास्ता है, बहुत अंदर तक जाता है बट कुछ अता पता नहीं है यहाँ पे इसके छोर का आकाश, और ये मंदिर बना दिया लोगों ने यहाँ पे। ये इस गुफा के पूरे नज़ारे हैं अंदर से। लाइट की व्यवस्था लग रही है बट लाइट चालू नहीं है, या जो भी रीज़न हो वी डोंट नो। सो अभी तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। गुफा का हिस्सा काफ़ी बड़ा है, बहुत सारा बड़ा है, और ये यहाँ पे लोकल के जो बंदे हैं उन्होंने शंकर जी का मंदिर बनाया हुआ है। सो दर्शन कर लेते हैं भोले बाबा के। इस समय हम राघा देवी केव के अंदर मेन गुफा के अंदर हैं। काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है यहाँ पे, बट बहुत सारा अंधेरा है, और शंकर जी की मूर्ति है तो दर्शन कर लिए हम लोगों ने। अभी फिलहाल इस गुफा से आगे निकल के उस सुरंग की तरफ जाने का विचार अच्छा तो नहीं है, बट ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब इतना अंधेरा है तो वहाँ पे कितना अंधेरा होगा वी डोंट नो, बट ट्राई करेंगे।